डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज इसमें बात करें तो एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोगों को इस एक्सरसाइज में 12 और 13 बचा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। पाई का वैल्यू देख पा रहे हैं ना, 3.14 का यूज करना है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या है। एक समुद्र है और समुद्र के नीचे जो पानी के अंदर पानी जहाज जो चलती है, तो उसको सूचित करने के लिए कि देखो भाई इसके अंदर ना आगे इस एरिया तक ना पत्थर हैं, चट्टान हैं, आप इस इधर आओगे ना टकरा जाएगा। इसके लिए आपको जगह जगह पे क्या लगाया है, लाइट हाउस लगाया है। लाइट हाउस का मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और इसका दूरी दिया है 16.5 किलोमीटर तक दूरी तक जाता है प्रकाश। तो ये 16.5 किलोमीटर दूरी हो गया। ठीक है, यहाँ से जब लाल रंग का रोशनी छोड़ा जाता है तो ऐसे करके चारों तरफ फैलेगी, लेकिन कितना डिग्री के कोण पर दोस्त? तो यहाँ लिखा है 80 डिग्री के कोण पर। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना भाग तक उसको चेतावनी दिया जा सकता है, यानी कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिस भाग तक के चेतावनी दिया जा सकता है जहाजों को। तो यहां पर आप लिखिएगा सिंपल, दिया है थीटा बराबर कितना, 80 डिग्री, आर माने कि त्रिज्या 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया है। पाई का वैल्यू याद रखना, इसमें क्वेश्चन में दिया है 3.14 का इस्तेमाल करने के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे रखना 80 बट्टे 360 गुने पाई के जगह पे 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि 16.5 का स्क्वायर। ठीक है, और जितना आएगा वो किलोमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि किलोमीटर मैंने दिया है। तो यहाँ से आप लिखिएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का कम्प्लीटली आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है। 13 में, तो 13 में बोला जा रहा है एक गोल मेजपोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये डिजाइन बना हुआ है, देखिए मान लिया कि एक मेजपोस है। मेजपोस का मतलब जो मेज, जहाँ पर जिस मेज पर खाना उना नहीं खाते हैं, गोला टेबल पर बड़े बड़े होटल में रहता है, इधर भी चेयर लगाया रहता है, इधर भी और दो तीन लोग यहाँ पे बैठकर इसी टेबल पे खा, मेज पर खा लेते हैं। तो मेजपोस का मतलब हुआ कि मेज को ढकने के लिए ऊपर से, जैसे जहाँ पर टीवी वीवी का ढकने के लिए, टीवी डीसीडी डीवीडी जो भी आप लगाते हैं, एलईडी को ढकने के लिए ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं आता है, उस तरह से मेज को ढकने के लिए मेजपोस आता है। अब इस मेजपोस में इस तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, ये सब डिजाइन है। डिजाइन इधर वाला है, देख रहे हैं इधर वाला डिजाइन है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, यही सब डिजाइन है। किनारे किनारे डिजाइन है। इस कितना डिजाइन है, तो 6 तरह का डिजाइन है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। यहाँ से डिजाइन हो गया, इधर डिजाइन हो गया, यहाँ बिंदु बिंदु है, ये सब डिजाइन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक गो डिजाइन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दो गो डिजाइन हो गया, ऐसे करके ये सब डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा करके कितना डिजाइन हो गया हम लोगों को चारों तरफ, तो 6 डिजाइन है। ठीक है, चारों तरफ छेड़, एक डिजाइन यहाँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, 6 का डिजाइन समान आकार का है, लिखा है 6 समान डिजाइन है।
बने हुए हैं, आज जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हैं 12 पॉइंट एक्चर। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, देख लीजिए मेजपोश का कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा, अब इसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसको और इसको मिला दीजिए, किसी एक को मिला देंगे तो ई वाला भी 28 होगा, तो ई भी 28 सेंटीमीटर होगा पक्का, ई 28 तो ई 28। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में कितना रुपया लगेगा। सबसे पहले जब एक केंद्र से सबको अगर मिलाएंगे तो कितना भाग में बटेगा उसको देख लीजिए, पहले कैगो डिजाइन बनेगा, कैगो डिजाइन बन रहा है, तो हम लोगों को दिखा जा रहा है सबको हम मिला दिए तो एगो भाग दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो, यानी कि एक केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है कोण, तो यहाँ 6 गो भाग में बंट रहा है, तो यहाँ लिखिएगा दिया है त्रिज्या का तो मान ऐसे सीधा सीधा दे दिया 28 सेंटीमीटर। थीटा कैसे निकालेंगे, तो ए गो केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है लेकिन 6 गो बराबर भाग में बटा है, तो हम 6 से भाग कर देंगे तो थीटा कितना डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि ई वाला जो थीटा हुआ ना ये हम लोगों का 60 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा हम लोगों का 60 डिग्री हो गया, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो गया, तब बोल रहा है कि इसका जितना भाग डिजाइन बनाने में खर्चा हुआ है, डिजाइन बनाने का दर कितना है ये भी दिया है, डिजाइन बनाने का दर कितना दर है, तो 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल होगा तो 0.35 रुपया आपको लगेगा, तो कि टोटल इसको बनाने में कई रुपया खर्चा होगा। सबसे पहले आप डिजाइन किसको कह रहे हैं, नीचे वाला को ना डिजाइन कह रहे हैं, इसको ना जिसको भी हम लोग पेन चला रहे हैं, ये ना डिजाइन हुआ। अब इस डिजाइन को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड, है ना, और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, और हम आपको पहले एक बार और बताए हैं कि जब थीटा यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो ई भी 60 डिग्री होगा और ए भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, यानी कि यह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, यानी कि अच्छा एक सवाल और दिया है कि √3 का मान 1.7 प्रयोग करना है, √3 का मान कितना रखना है, 1.7। चलो अब सबसे पहले एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, और एक लघु वृत्तखंड को ही हम लोग डिजाइन कहते हैं, डिजाइन बोला जा रहा है का क्षेत्रफल, ऐसा ऐसा हालांकि हमको सब तरफ ना डिजाइन है, ऐसा ऐसा डिजाइन एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो है, तो हम एगो डिजाइन का निकाल लेंगे तब 6 से गुना कर देंगे, इसलिए एक लघु वृत्तखंड यानी कि एगो डिजाइन का पहले निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से देख लीजिए, पूरा जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है ई वाला क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका घटा दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई गुने आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे थीटा बट्टा 360 है तो थीटा मेरा 60 है, तो 60/360 गुने पाई, पाई के मान तो यहाँ कुछ नहीं बोला है, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तब कितना रखना है भाई, 22/7, और आर स्क्वायर है, आर माने कि त्रिज्या 28 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर √3/4, तो यहाँ कर दीजिए √3/4 गुने फिर भुजा स्क्वायर है, देख रहे हैं भुजा का स्क्वायर माने 28 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कटम कुटम जो भी आएगा करके, और माइनस इस √3 के जगह पे यहाँ पे रख देना है, सवाल बोल भी किया है कि √3 के जगह पे 1.7 रखिए, तो यहाँ पे रख के इसका सवाल
का सॉल्यूशन, यानी कि घटा उठा के इसमें से इसमें घटा दीजिएगा जितना आएगा। मान लिया जाए कि जो टिक किए हैं वो आ गया, तो एगो डिजाइन का ना आया है, हमको तो पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब लिखिएगा कुल डिजाइन का क्षेत्रफल मेजपोश के कुल डिजाइन, कुल माने कि सब, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो एगो जो टिक किए हैं इसमें से घटा के, एगो टिक जो किए हैं एगो ने डिजाइन के आया है, एक डिजाइन का ना, तो हम कुल डिजाइन, तो कई गो कुल डिजाइन है, छ गो, तो छ गो को ये जो टिक किए हैं इससे गुना कर देंगे, तो जो आएगा मान लीजिए कि अब की क्रॉस आ गया, समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ जो आएगा उसको छः से गुना करना है। क्रॉस हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। अब लिखना है कुल लागत कितना लगेगा, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रुपया, तो जितना यहाँ आएगा। अब लिखिएगा अब डिजाइन बनाने में कुल लागत, डिजाइन बनाने में कुल लागत, कुल कितना लागत लगेगा, कुल कितना पैसा मिलेगा लगेगा। तो यहाँ वाला जो क्रॉस आएगा ना, क्रॉस जो आएगा उसको कर देना है 0.35 रुपया से गुना, और जितना लास्ट में आएगा उतना रुपया आपको आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन कह रहा था मेजपोश, तो फिगर आप अच्छे ढंग से बनाइएगा, मेजपोश जैसा लगे कि हाँ भाई कोई मेज उज ढक सकता है, ये नहीं कि इधर उधर जैसे तैसे बना देना है, ताकि लगेगा ही नहीं कि मेजपोश भी बनाए हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 12.2। और इसका एक एक्सरसाइज और है, आई होप कि एक और होना चाहिए, हाँ 12.3 है, और इसमें टोटल क्वेश्चन 11 तक के हो गया। इधर टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 क्वेश्चन नंबर है। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन उसमें भी लगेगा ही लगेगा, है ना। तो फिर अगले क्लास में हम 12.3 को स्टार्ट करेंगे, और जो थ्योरी भी होगा तो अगले क्लास में ही हम लोग देखेंगे उसको। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।